उनको अभी 1000 रुपया 1500 कुछ नहीं मिल रहा है, तो भी वो काम कर रहे हैं, उनका भी मसला है, वो भी डिपार्टमेंट रिकंसिडर। लेकिन जो रिसेंटली ट्रांसफर कॉस्ट आया है, जो एक क्राइटेरिया बाहर आया है, तो उसमें आरईटीज को, यहाँ हमें उम्मीद थी कि आरटी बॉन्ड टीचर्स को भी इसमें इन्वॉल्व करना, भी दुर्भाग्य है और गवर्नमेंट का भी दुर्भाग्य है। यहाँ डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में हमारे डिस्ट्रिक्ट उधमपुर की मासिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव मेंबर्स और 11 के 11 जोनल प्रेसिडेंट्स मौजूद हैं। हर आदमी, हर टीचर जो है वो आक्रोश में है कि 23-23 साल इस डिपार्टमेंट में देने के बाद भी हमें ट्रांसफ़र पॉलिसी से जो है वंचित रखा जा रहा है। एक बहुत बड़ा तबका, जो मैं कहूँगा लगभग लगभग आधे से ज़्यादा जितना एजुकेशन डिपार्टमेंट में पूरा स्टाफ है, उसमें आधे से ज़्यादा जो स्ट्रेंथ है वो आरटी बॉन्ड टीचर्स की है, उनको आप ट्रांसफ़र पॉलिसी से बाहर रखते हैं और आप ये समझते हैं कि आपकी ट्रांसफर पॉलिसी कामयाब हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। आप एक स्कूल में स्टाफ पूरा करेंगे, दूसरा स्कूल आपका खाली हो जाएगा। जब तक आप आरईटीज को इन्वॉल्व नहीं करते, तब तक आप एक अच्छी ट्रांसफर पॉलिसी हमारे डिपार्टमेंट को नहीं दे सकते हैं। और दूसरा ये मैं कहना चाहता हूं, एक नोशन जो फैलाया जा रहा है कि दे आर स्कूल स्पेसिफिक, तो मैं ये कहता हूं ये 23 साल हो गए पॉलिसी बने हुए, अभी भी लोगों को समझ नहीं आ रही कि पहले 5 साल जो है वो लोगों को उन्हीं स्कूलों में काम करना था। आफ्टर देयर रेगुलराइजेशन, जब 5 सालों के बाद वो रेगुलराइज हो जाते हैं, तो दे आर एंटाइटल्ड फॉर द ट्रांसफर।